हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एक फेयरनेस पैक बनाना जो हम एकदम नेचुरल तरीके से बनाएंगे और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आपके स्किन को फेयर करेगा और आपके स्कार्स और एक्ने को भी रिमूव करेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश एलोवेरा लीव और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हमें इसके साइड्स को कट करना है और हमें इसका जेल निकालना है। एलोवेरा हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एक्ने को भी रिड्यूस करता है, आपके स्किन को लाइटन करता है और सन टैन से भी हमें बचाता है और इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, हमें एंटी एजिंग साइन से भी बचाएगा ये। और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी रोज वाटर, ये मेरा होममेड रोज वाटर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहाँ पे हमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर रोज वाटर आपके स्किन में एक नेचुरल ग्लो देगा और 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, आप कोई सा भी हनी यूज कर सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल हो। हनी हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है और स्कार्स भी रिड्यूस करता है और टर्मरिक जो आपके ऑयली स्किन को कंट्रोल करेगा और स्कार्स भी और एक्ने भी रिमूव करेगा। और लेमन तो आप जानते हैं इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं या आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करता है। और हमें हाफ लेमन को स्क्वीज करना है और इस मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये हमारा फेयरनेस पैक रेडी है। ये आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो देगा और एकदम क्रिस्टल क्लियर स्किन देगा आपको। और इस तरीके से हमें अपने फेस में यूज करना है, इसे हल्के हल्के मसाज करते हुए अप्लाई करना है। एलोवेरा आपके स्ट्रेच मार्क्स को भी रिड्यूस करता है, यह हमारी होल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से आप अपने फेस पे अप्लाई करें और फिर आप 10 टू 15 मिनट्स रखें, इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। आपको इंस्टेंटली ग्लो दिखेगा, आपके फेस में एक सॉफ्टनेस सी आ जाएगी।